हाय, मैं हूँ तेज सप्रू। सुनते रहिए रेडियो ऑरेंज, कुछ खट्टा कुछ मीठा। हाय, मैं हूँ नमन जी। रेडियो ऑरेंज सुनते रहिए, वाले दिन पैदा नहीं हुए मीठा। रेडियो ऑरेंज 91.9 FM पर आकाश आपके साथ है। मेरे साथ है स्वामी रामदेव की दो स्टार कास्ट, यहाँ पे नमन है और मेरे साथ तेज सर है। नमस्ते सर, कैसे? फर्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच। और नमन, कैसा लग रहा है ना पूरा के? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आया हूँ और अभी तो घूमना है। ओके, तो नमन, ये जब रामदेव बाबा जी का किरदार आप निभा रहे थे, इससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हैं? पहले मैंने देखा कि आप बहुत कॉमेडी फनी रोल करते थे, लेकिन अभी एकदम सीरियस रोल करने लगे, तो आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस आए? तो इस जब ये स्टार्ट हुआ तब सबसे पहला चेंज था मेरी लाइफ में कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठता था योगा करने, वरना मैं लेट ही उठता था। ऐसे तो 7-8 बजे आ जाते थे मुझे सिखाने। मैंने योगा सीखा और जो चीज़ मैंने आज तक कभी हाथ नहीं लगाई, तलवार, उस चीज़ को मैंने अच्छे से सीखा ट्रेनिंग लेके, और वो आपको देखने मिलेगा जब आप सीरियल देखोगे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें स्वामी जी से सीखने मिली, इस सीरियल से सीखने मिली और सभी लोगों से सीखने मिली। क्या बात है सर, जब आप विलन का किरदार निभाते हैं तो आपके फ्रेंड्स में मतलब क्या रिएक्शन होता है? जब फ्रेंड्स क्या है ना, देखो जो फ्रेंड्स हैं वो आपको जानते हैं पहले से। अभी मेरे फ्रेंड्स हैं स्कूल के हैं, जब मैं इसमें नहीं था, बेसिकली मैं स्पोर्ट्समैन था। तो हम 40 लोग हैं, जो कोई दादा भी बन गया है, कोई नाना भी बन गया है। तो 40 लोग हम हर 2 महीने के बाद मिलते हैं, स्कूल वाले। फिर एल्फिंस्टन कॉलेज वाले हैं, जो मैं कॉलेज में था, जब मैं स्टेट चैम्पियन हुआ महाराष्ट्र बैडमिंटन, फिर मैंने क्रिकेट खेला बॉम्बे के लिए, द फर्स्ट सी के नायडू ट्रॉफी। तो हम लोग कॉलेज वाले भी मिलते हैं, तो उनको पता होता ना बचपन से कि है ऐसा, भाई ये तो रोल ही है यार। हालांकि वो भी छेड़ते रहते हैं, क्योंकि जब भी ज़्यादातर थोड़ा सा सीन्स ऐसे फिल्मों में आते थे कि शायद ही कोई ऐसी हीरोइन होगी जिसपे अटेम्प्ट टू रेप ना किया हो, सही है, सही तो इसलिए वो बलात्कार का हालांकि पीटते थे तो लोग बोलते थे क्या यार, तो मार खाता रहता जब देखो। मैंने अब उसी के तो पैसे मिलते हैं, मार खाने के पैसे मिलते हैं। सही है सर, मेरे इंटरव्यू में एक सेक्शन होता है बाबा पूछेगा सेलिब्रिटी पूछेगा, तो एक बाबा आते हैं, तो अभी बाबा आएंगे सर। हाँ आइए बाबा, आइए। महेशू बाबा, अरे क्या बोलते भाई लोग, आपका स्वागत है बाबा पूछेगा सेलिब्रिटी फंसेगा में। तो आप लोगों को मेरा पहला सवाल, आपको योगासन के आसन जानने हैं, ठीक है? पहला आसन, ये कौन सा आसन है? अरे भाई यार, ये बच्चन आसन है। ये बच्चन आसन, सही जवाब। ये कौन सा आसन है? ये तो मेरा मिथुन, फर्स्ट फिल्म सुरक्षा। बिल्कुल सही जवाब। अब ये जो आसन है ना, ये जबड़े की मालिश करता है। ये कौन सा आसन है? शक्ति आसन। गलत जवाब, ये सुनील शेट्टी आसन है। अरे तेरी तो इतना मुंह कभी खोला ही नहीं उसने कभी हमारे सामने। एक लास्ट आसन, बिल्कुल लास्ट वाला, ये कौन सा आसन है? अरे बाबा ये तो ये पद्मावती का हीरो जो है, ये बाबा रणबीर है रे माजी। अरे गलत जवाब दिया इन्होंने, ये नाना आसन है, नाना आसन, गलत जवाब, मिक्स हो गया। लेकिन तो ऐसी धमाल मस्ती चलती रहेगी बाबा, ज्यादा ये चलता है ये। अरे छोटे दिमाग में मत मारना, बहुत लगता है। तो ऐसी धमाल मस्ती बाबा पूछेगा सेलिब्रिटी फंसेगा में चलते रहेगा। आप सुनते रहिए रेडियो ऑरेंज 91.9 FM, कुछ खट्टा कुछ मीठा। सर एक अपना रिलैक्सिंग साउंड होता है, एक बार करना है, ठीक है? 3, 2, 1.